आज का दूसरा सत्र पेरियार बदलाव का चिंतन विषय पर आधारित है। मैं प्रमोद रंजन जी से आग्रह करूंगा, कृपया वो मंच पे हैं। मैं प्रमोद रंजन जी से आग्रह करूंगा, सभागार में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह है, कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। प्रमोद रंजन जी से बातचीत करेंगे अशोक कुमार, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, कृपया वो मंच पर आए। इसी के साथ मैं अशोक जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम का जी सभी साथियों का अभिवादन और लेखक प्रमोद रंजन जी का अभिवादन। और सबसे पहले हम राजकमल प्रकाशन और जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पटना में किताब उत्सव का आयोजन किया और पटना के सांस्कृतिक माहौल को उन्होंने समृद्ध किया है इस आयोजन का आयोजन को करके। राजकमल प्रकाशन को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पेरियार पर पुस्तकों को छापा है, इसलिए किताब छापना उनका काम है। लेकिन पेरियार के बारे में जितनी उत्सुकता है उत्तर भारत में हिंदी प्रदेश में, उसके अनुसार पुस्तकों की कमी थी। उस कमी को कुछ दूर तक दूर करने का प्रयास जो है राजकमल प्रकाशन ने किया है, इसके लिए भी उनको हम धन्यवाद देते हैं। और हम इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रमोद रंजन जी से बातचीत करने के लिए मुझे कहा। पुस्तक चर्चा से पहले आपको हम बता दें कि जिन पुस्तकों की हम आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, धर्म और विश्व दृष्टि, सब लोग पेरियार के बारे में बताने की हम जरूरत नहीं समझते हैं। आप लोग सब लोग पेरियार के नाम से परिचित हैं, तमिलनाडु का वो महान सामाजिक क्रांतिकारी जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनेस्को ने दक्षिण एशिया का सुग्रात उपाधि से सम्मानित किया था। तो तीन किताबें हैं राजकमल प्रकाशन ने जिनको प्रकाशित किया है और जिसको प्रमोद रंजन जी ने संकलित किया है, वो है धर्म और विश्व दृष्टि। दूसरी किताब है जाति व्यवस्था और पितृसत्ता। और तीसरी किताब है सच्ची रामायण। और इससे पहले कि हम आगे हम बातचीत शुरू करें, हम प्रमोद रंजन जी का एक परिचय, संक्षिप्त परिचय हम देना चाहते हैं, इसलिए कि किताब के बारे में जितना जानना जरूरी है, उस किताब के जो संकलनकर्ता हैं, संपादक हैं, उनके बारे में भी हमको जानना चाहिए जिनके प्रयास से यह किताब हम तक आई है। प्रमोद रंजन जी पटना के हैं और इनकी रचनाशीलता की जो यात्रा है वो बड़ी रोमांचकारी रही है। शब्दों के आकर्षण से बंधे हुए और अभिव्यक्ति की छटपटाहट जिसको कहते हैं, प्रमोद जी एकदम बिल्कुल युवा काल में, जब वो बमुश्किल 19-20 साल के रहे होंगे, जब पटना और बिहार का जो माहौल है एक मध्यम वर्गीय परिवार का, कि कोई भी लड़का जब वो मैट्रिक पास करता है तो उसकी इच्छा होती है, परिवार की इच्छा होती है, समाज की, वो एक कैरियर, वो रास्ता अपनाए जो बंधा बंधाया जो कैरियर का रास्ता है। लेकिन प्रमोद जी गंगा के किनारे से उठे और चले गए शिमला में, उन्होंने पत्रकारिता की और कई साल तक उन्होंने पत्रकारिता की। शिमला और हिमाचल के कई शहरों में उन्होंने रहा, वो रहे और 7-8 साल तक उन्होंने ये काम किया। उसके बाद वो फिर पटना आए, फिर उन्होंने अपनी छुट्टी हुई पढ़ाई को पूरा किया, JNU से उन्होंने PhD किया। और इस बीच में कई उन्होंने छोटे क्या उसको मैं बड़ा काम कहूँगा, पत्रिकाएं लघु थी लेकिन काम बड़े थे। जन विकल्प का उन्होंने प्रकाशन किया और काफ़ी अच्छा जन विकल्प वो निकला। एक 2008 में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी उस पर उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तिका को प्रकाशित किया, जो भारत में जो पत्रकारिता का जो सामाजिक चरित्र है, विभिन्न अखबारों का जो सामाजिक चरित्र है
उसको लेकर इन्होंने काम किया जो काफी चर्चित रहा उस समय। फिर इन्होंने पीएचडी किया और संप्रति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम का जो दीफू कैंपस है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी के, प्रमोद रंजन जी। और इसके अलावा जो है जो जिन किताबों की हमने तीन चर्चा की, इसके अलावा हार्वर्ड प्रेस में काफ़ी लंबे समय तक ये संपादक रहे। वहाँ रहते हुए इन्होंने महिषासुर के ऊपर किताब लिखी जो काफ़ी चर्चित भी रहा। तो आज हम प्रमोद जी से बात करना चाहते हैं पेरियार के बारे में और जो जो किताबें इन्होंने लिखी हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले प्रमोद जी, आप ये बताइए कि जो काम आपने किया ये तो हमने बताया, लेकिन आप अपनी ओर से बताइए कि जो पेरियार पर जो काम है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसकी आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई कि हम पेरियार पर काम करें और मुकम्मल पुस्तक हम निकालें, तो इसके बारे में। तो अशोक जी को मैं कह रहा हूँ कि आपको धन्यवाद कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि आपके इतने विस्तृत परिचय ने मुझे थोड़ा असहज बना दिया। पटना मेरा अपना शहर है, ज्यादातर मित्र जो हैं जो परिचित होंगे। बहरहाल आपका जो सवाल है कि पेरियार की प्रेरणा कैसे मिली, तो उसका उत्तर इन्हीं यात्राओं में है। जब जिन दिनों मैं JNU में था, संभवत ये 2011 की बात है, और मुझे किसी एक लेख के लिए पेरियार के विचारों को उद्धृत करने की आवश्यकता हुई, पेरियार की नास्तिकता से संबंधित विचारों को उद्धृत करने की आवश्यकता हुई। और मैं ये मान के चल रहा था कि बड़ी आसानी से वो विचार तो मुझे मिल जाएंगे और मैं उसको उद्धृत कर दूंगा। लेख लगभग पूरा था, जैसे हम लोग करते हैं लिखने के क्रम में, कुछ शोध लेख लिखते हैं तो कई ड्राफ्ट इसके बनाते हैं। लेकिन जब हमने ढूंढना शुरू किया तो मालूम चला कि पेरियार की कोई किताब हिंदी में नहीं है, कोई एक भी पुस्तक नहीं है, एक भी ऐसा लेख नहीं है जिसको अकेडमिक कहा जा सके, या आप बोलचाल की भाषा में कहें जो टांग का लेख, एक भी। ये स्थिति 2011 तक थी। मैंने थोड़ी और छानबीन की ऐसा क्यों है, तो मालूम चला कि पहले पेरियार की किताबें आई थी। दरअसल पेरियार को हिंदी में लाने का श्रेय जो है वो है इंदिका प्रसाद जिज्ञासु, वो लखनऊ के थे और उन्होंने बहुजन कल्याण माला नाम से पुस्तिकाएं प्रकाशित की थी। 1970 के दशक में वो एक पुस्तक लेकर के आए थे, उसका नाम ही था रामास्वामी पेरियार। लेकिन वो किताब पहले संस्करण के बाद दोबारा नहीं छपी और गायब। उसके बाद अलाई सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने उनकी सच्ची रामायण का अनुवाद करवाया, अनुवाद के साथ ज़्यादातर लोग परिचित होंगे, सच्ची रामायण छपी, इस पर मुकदमा किया गया और किताबें जब्त कर ली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीज करने का ऑर्डर दिया और कहा कि खरीद प्रतियां वापस कर दी जाए। नहीं कोई भी प्रकाशक शायद उसके बाद सच्ची रामायण को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी छानबीन के क्रम में मुझे मालूम चला कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1995 में काफ़ी हंगामा हुआ था सच्ची रामायण को लेकर, और दरअसल भाजपा के कुछ विधायकों का आरोप था कि जो बसपा है वो सच्ची रामायण की प्रतियां वितरित कर रही है और वो हिंदी विरोधी थे, हिंदू विरोधी थे और अलगाववादी थे, इसीलिए उनका उस किताब को प्रचारित नहीं करना चाहिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको जारी करने का आदेश दे दिया। और ये सारी चीज़ें मेरे अखबारों के कथन में मिली, मुख्य रूप से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग। वहाँ एक रिपोर्टर हैं अलका पांडे हुआ करती थी उस समय, जिनकी रिपोर्ट मुझे आर्काइव में मिली। उन्होंने बड़े विस्तार से एक लंबी रिपोर्ट लिखी पूरे इस प्रकरण का। उन्होंने बताया कि ये जो किताब है सच्ची रामायण, और भाजपा ने उनका दहन का कार्यक्रम रखा था, सच्ची रामायण का दहन करेंगे, वो किताब कहीं उपलब्ध नहीं। वो बहुजन चेतना मंडप जहाँ बसपा का सारा साहित्य बिकता है वहाँ गए, उन्होंने बताया कि ना हमारे यहाँ किताब है न कभी थी, किसी भी लखनऊ की दुकान में वो किताब नहीं थी, दिल्ली की दुकान में भी सच्ची रामायण नहीं थी। उन्होंने लिखा भी कि जो प्रतियां जलाई जा रही हैं वो वास्तव में कथित फोटोकॉपी हैं सच्ची रामायण, यानी फोटोकॉपी भी है कि नहीं है वो भी पक्का पता नहीं है, भाजपा के लोग जो है वो कुछ अपने रिचुअल्स के लिए उसको जला रहे हैं। तो ये स्थिति थी कि न तो पेरियार की कोई किताब उपलब्ध थी न सच्ची रामायण उपलब्ध थी, जबकि उसका अनुवाद हो चुका था। तो जाहिर है इसके बाद मेरे मन में ख्याल आना था, उन दिनों में एक पत्रिका फॉरवर्ड प्रेस का संपादन करता था, तो उसी दौरान हमने कई लेख लिखवाने शुरू किए पेरियार पर, खास करके चूंकि एक सुविधा मुझे थी फॉरवर्ड प्रेस में रहते हुए, वो एक द्विभाषी पत्रिका थी, आप जानते हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपती थी, जो सामग्री हिंदी में छपती थी उसका अनुवाद अंग्रेजी में छपता था, अंग्रेजी सामग्री का अनुवाद हिंदी में छपता था।
इस तरह से हमारा संबंध दोनों भाषाओं के लिए पहुंचे थे। और जब आप अंग्रेजी में थोड़ा काम करते हैं तो कई भाषाओं से आपका संबंध बन जाता है। तमिलनाडु से लगा संपर्क था, ये गीता वगैरह हमारे संपर्क में थी, सामान्यतः स्त्री मित्रों पर लिखा करते थे। ये गीता सबसे बड़ी स्कॉलर मानी जाती है, पेरियार की काफी काम किया उन्होंने, हमने ये गीता को कहा कि आप लिखें। और उसके बाद एक किताब लाने की योजना बनाई, और उस समय तक हमारा जो संस्थान था उस समय का फॉरवर्ड प्रेस, वो किताबों का प्रकाशन नहीं करता था। तो हमारे सामने ये मुश्किल थी, किताब छापेगी और कौन, कॉपीराइट कैसे मिलेगा वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी मुश्किल थी कि तमिल से अनुवाद कौन करेगा। मुझे नहीं लगता कि आज भी तमिल से हिंदी में सीधे अनुवाद करने वाला एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोग उपलब्ध होंगे, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी तलाश की और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तमिल से सीधे हिंदी में अनुवाद करे। तो ये भाषा की दूरी थी। उसी समय एक तमिलनाडु का एक छोटा सा ग्रुप है, युवा लोगों का, बहुत ही प्रतिबद्ध ग्रुप है, वो लोग पत्रिका निकालते हैं कत्तारू नाम से, उन्होंने बाद में निकालने शुरू की। उन्होंने जब पेरियार की सामग्री फॉरवर्ड प्रेस में देखी तो मुझसे मिलने आए, और इसी आग्रह के साथ विशेष तौर पर तमिलनाडु से अचानक आए कि वो चाहते हैं कि पेरियार की किताब हिंदी में आए, और उनके ग्रुप की काफ़ी इच्छा है ये, और उसके लिए वो पैसा भी लगाने को तैयार हैं, कुछ भी जितना खर्च होगा वो सब वो चंदा करके वो देंगे। तो ये बात मुझे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी, युवाओं का एक ग्रुप, मैं नहीं समझता कि उत्तर भारत में ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं जो दिल्ली तक आए। खैर उन्होंने मुझे बुलाया अपनी पत्रिका के आयोजन में, वहाँ मैं गया। वहाँ थोड़ा विषयांतर होगा लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जब मैं एक उस पत्रिका जो है कत्तारू की 36-38 पेज की पत्रिका है, आज भी निकलती है, पेरियारवादी पत्रिका है वो, उस पत्रिका का ऐसा ही आयोजन था और मुझे लगा था कि 150 लोग होंगे, लेकिन हॉल करीब 500 की कैपेसिटी का था और पूरा खचा खच भरा हुआ था, और सामान्य लड़कियों से, महिलाओं से, गृहिणियों से, बाहर भी लोग थे, खाने की व्यवस्था थी बाहर। और उस आयोजन में महिलाएं काफ़ी, लड़कियां काफ़ी सवाल पूछ रही थी पेरियार के बारे में और दूसरी घरेलू समस्याओं के बारे में भी। घरेलू समस्याएं आप ऐसे कहिए कि स्त्री समस्याओं के बारे में, और वक्ता उनके उत्तर दे रहे थे। मतलब वैचारिक और पारिवारिक की जो विभाजन रेखा हमने बना रखी है अपने साहित्य और विचार की दुनिया में, वो वहाँ बिल्कुल ढूंढी थी। मैंने थोड़ा और पता किया, बिल्कुल उन्होंने बताया, तो जो पत्रिका निकलती है उसके 500 फैमिली उसके मेंबर, 500 सदस्यों ने कमिट किया है कि हम इस पत्रिका के लिए हर महीने थोड़े रुपये देंगे। और उस पत्रिका में 36 पेज में 5 या 6 पेज परिवार के नाम पर होते हैं, यानी उनके घर में कोई जन्मदिन है, किसी ने अच्छा कुछ किया, उनकी तस्वीर या। इस बात ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, और ये पेरियार को समझने के लिए भी एक सूत्र देता है कि पेरियार का जो पूरा काम है, जैसा हम समझते हैं, वो सिर्फ वैचारिक नहीं है, उन्होंने परिवारों और फैमिलीज पर काफ़ी काम किया। तो बहरहाल ये सारी इन बातों ने प्रभावित किया, और हमने सोचा कि इसको इसी तरह से हिंदी में लाना है, और काम शुरू हुआ, और इस तरह से अंत में ये किताबें पिछले साल तक आ सकें। पेरियार जो 20वीं शताब्दी में जो दो सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी हुए भारत में, एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और दूसरे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, ये दो सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी हुए, और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो प्रचलित मान्यता है हिंदू समाज के भीतर, भारतीय समाज के भीतर, उसकी इन्होंने आलोचना की, आंदोलन भी चलाया पेरियार ने। और आज जो उत्तर भारत में, यदि हम उत्तर भारत में आज जो आंदोलन चल रहे हैं सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक, यदि हम उसको न समझेंगे तो पेरियार की जो आज के समय में जो उनके पास प्रासंगिकता है उसको भी हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो आज जो भारत के, उत्तर भारत में खासकर सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक जो आंदोलन चल रहे हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं, और उसमें पेरियार की क्या प्रासंगिकता आपको नजर आती है? मुख्य सवाल शायद है कि उत्तर भारत में जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वैचारिक आंदोलन है वो कैसा है, आप समझना चाहते हैं मेरी नजर से? तीनों का अलग अलग ढंग से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मुझे क्या समझ में आता है। एक तो वैचारिक आंदोलन जो उत्तर भारत का है, तो वो पूरी तरह हिंदी का है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हमें हिंदी की ओर देखना होगा कि वैचारिक आंदोलन हिंदी में कैसा चल रहा है। तो पूरा जो हिंदी का वैचारिक आंदोलन है वो सिर्फ एक विधा में केंद्रित हो गया है, एक अनुशासन में केंद्रित हो गया है, जिसको हम साहित्य के नाम से जानते हैं।
साहित्य के भी छोटे से हिस्से में जिसको हम कहानी कविता के नाम से जानते हैं, कन्यासुल कविताओं के नाम से जानते हैं, और उसमें कहीं कोई नया आंदोलन, कोई नई सुगुवाहट नहीं दिखाई पड़ती है। विमर्श के स्तर पर कोई नया विमर्श आपको नहीं दिखता है। कई बार मैं सोचता हूँ तो पाता हूँ कि जैसे हमारा पूरा विमर्श, हम अक्सर कहते हैं, आपसे भी कई बार बात हुई, हमारा जो पूरा बौद्धिक विमर्श है वो बहुत ज़्यादा राजनीति से आक्रांत, तो वैसे ही जो साहित्य का विमर्श है वो दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बहुत ज़्यादा आक्रांत है। उसको विमर्श को उतना ज़्यादा आक्रांत साहित्य से नहीं होना चाहिए था, उसको बाहर की तरफ देखना चाहिए था। एक तो यह बात है, कुछ दूसरी जगह कोशिशें हो रही हैं, कुछ दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं, कई नए कुछ विमर्श अगर जनता के बीच से आते हैं, लोगों के बीच से आते हैं, तो उसको भी जो हमारा जो साहित्यिक तबका है जो इस विमर्श को क्रिएट करता है, जो मुख्य रूप से अकेडमियों से जुड़ा हुआ है, उसको उस पर वो या तो उसको चिन्हित करने में विफल रहता है, या कई बार चिन्हित करता भी है तो उसकी उपेक्षा करता है। इस तरह से जो हमारा वैचारिक विमर्श है उसको तो मैं बहुत ही आशा की नज़र से नहीं देखता हूँ, जो मौजूदा विमर्श है। दूसरा सवाल आपका राजनीतिक स्थितियों के बारे में है, तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थितियाँ भी निश्चित तौर पर कोई भी कहेगा तो बहुत ही आशाजनक नहीं है। और जिस राजनीतिक स्थितियों के बारे में, चूँकि परियार पर आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की धारा की जो स्थितियाँ हैं उन पर आपका ध्यान होगा, तो वो भी कुछ नया करने में सक्षम नहीं है। और पूरी राजनीतिक धारा एक वैचारिक पतन की ओर है, जिसका कोई विचार वास्तव में, सामाजिक न्याय कहने के लिए है लेकिन कोई विचार उनका नहीं है। सामाजिक आंदोलनों में जरूर कुछ लगातार काम हो रहे हैं, खास करके दलित विमर्श या दलित छतरी के नीचे। इसके अलावा अर्जक संघ जैसे संगठन हैं जो अपने तरीके से गांव-गांव में काम कर रहे हैं, और सामाजिक आंदोलन पर्याप्त है। हाँ, उनको जो दिशा मिलनी चाहिए थी, राजनीतिक दिशा और बौद्धिक दिशा, जो इन दो विमर्शों से मिलती, वो बिल्कुल ही आशा नहीं प्रदान करते हैं कि उनको एक दिशा हो। जैसे आपने कहा कि बहुत आशाजनक नहीं है उत्तर भारत में सामाजिक और राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन की, और उसके चलते जो सामाजिक आंदोलन है वो भी प्रभावित हो रहा है, तो पेरियार के विचार जो कि इन पुस्तकों के माध्यम से उत्तर भारत में फैल रहे हैं, वो इसमें कहाँ तक उनकी हस्तक्षेप कर पाएंगे इस स्थिति को संभालने में, सुधारने में, और एक क्रांतिकारी दिशा देने में जो सामाजिक वैचारिक और राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं बहुजनों का, और एक सामान्य लोकतांत्रिक माहौल को बनाने में। दरअसल हिंदी पट्टी को तो उन्हीं की ओर देखना होगा जो चीज़ें उपलब्ध, और हमारे पास तीन चीज़ें उपलब्ध हैं, फूले, अम्बेडकर और पेरियार। हम इन तीनों को एक प्रकाश स्तंभ की तरह देख सकते हैं, जिनकी रोशनी में हमारी बौद्धिक विमर्श में हमारा उत्थान कर सकता है और राजनीतिक विमर्श में। तो फूले और पेरियार दोनों अम्बेडकर पर्याप्त रूप से हिंदी में आए हैं, और उसका असर आप दलित विमर्श में, दलित आंदोलनों में हम देखते रहे। लेकिन जो दूसरे वंचित तबके हैं, जिनकी स्थिति कई मायनों में दलितों के बराबर है, कुछ मायनों में दलितों से आगे है, लेकिन वो भी उसी तरह से प्रताड़ित हैं, और जाहिर है कि परिवर्तन की दिशा वही तबका तय करता है जो उस परिवर्तन जो स्थितियों से खुश नहीं है। तो इन्हीं तबकों में आशा की किरण है। तो इनके पास जब पेरियार और अम्बेडकर, पेरियार और फूले दोनों आएंगे पर्याप्त रूप से, तो ये सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ेंगे और दिशा भी दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप यह समझना चाहें कि पेरियार की कौन सी बात सबसे अधिक दिशा देगी, तो एक तो जो मैंने बताया कि परिवारों का जुड़ाव, हमारे जो बाकी बौद्धिक आंदोलन रहे हैं, इस तरह के वैचारिक आंदोलन रहे हैं, वो परिवारों को जोड़ करके नहीं चलते। आप जब आप पेरियार को पढ़ते हैं तो उस भूमिका को आप समझते हैं कि पूरे परिवार को आप साथ लेकर के चलेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, आप एक सही दिशा की ओर जाएंगे। उनका स्त्रियों के प्रति जो लगाव है, वो लगाव आपको अम्बेडकर में भी दिखेगा, और लेकिन अम्बेडकर में अकेडमिक तरीके से दिखेगा, लेकिन जो पेरियार को आप पढ़ेंगे, पेरियार के थोड़े नज़दीक जाएंगे, तो आपके भावना के तल पर आपको वो बात दिखेगी। यही कारण है कि पेरियार खुद भी अपने जीवन में स्त्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे, नारीवादियों ने काफ़ी काम किया पेरियार पर। तीसरी चीज जो उनका धर्म को लेकर के एक नज़रिया है, अमूल परिवर्तनवाद का नज़रिया है, वो जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य उसको काउंटर करने में काफ़ी सक्षम है। पेरियार भारत में, उत्तर भारत में अभी
मुख्य रूप से जिन दो बड़े विचारकों का प्रभाव है वो राम मनोहर लोहिया जी हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये जो दोनों बड़े विचारक ही हुए, राजनीतिज्ञ भी हुए, और कहीं न कहीं से धर्म को लेकर, जैसे को लेकर वो हिंदू धर्म के तो क्रिटिक हैं वो, लेकिन धर्म एज सच को लेकर उनके मन में एक बहुत ज़्यादा क्रिटिक नहीं है। और अम्बेडकर तो ये भी मानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो हमारा धर्मांतरण है वो जरूरी है, हिंदू धर्म और हिंदू समाज के भीतर जो जातिवाद है, जो अस्पृश्यता है, उससे निकलने के लिए, जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए। लोहिया भी जो है वो धर्म और राजनीति के बीच एक मेल देखते हैं वो, और वो ये भी कहते हैं कि जो है वो दीर्घकालिक धर्म और राजनीति, इस तरह से वो बात करते हैं। और फिर वो रामायण मेला भी लगाते हैं लोहिया, लेकिन पेरियार जो है वो पूरी तरह से धर्म का निषेध करते हैं, और वो एक बुद्धिवादी है, रैशनलिस्ट हैं। उनकी दुनिया में जो एक पूरी एक जो छवि है जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, वो तर्कवादी, बुद्धिवादी, एक रैशनलिस्ट के रूप में पेरियार जाने जाते हैं। वो धर्म विरोधी हैं, वो ईश्वर विरोधी हैं। तो क्या ये लगता है आपको कि जिस उत्तर भारत में अम्बेडकर इतने लोकप्रिय हैं, लोहिया इतने लोकप्रिय हैं, तो क्या पेरियार अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे और एक दिशा दे पाएंगे? पेरियार रेशनल है, बुद्धिवादी है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह सोचना कि वो धर्म को पूरी तरह से खारिज करते हैं जिन अर्थों में आप कह रहे हैं, शायद सही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो पेरियार ने एक लेख लिखा, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की, उनको चिट्ठी भी लिखी। तो ये बाद का काल है और बताता है कि वो एक जो छवि पेरियार की है कि धर्म को इन टोटलिटी में वो खारिज करते हैं, किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म जैसी आवश्यकता को, तो ऐसा नहीं है। इन तीनों लोगों में, बल्कि मैं चौथा नाम भी लूंगा फूले में भी, इन सभी में एक धर्म की तलाश थी कि कोई भी व्यक्ति आधार्मिक नहीं। इन तीनों महापुरुषों में हम किसी को आधार्मिक नहीं कह सकते, और वो धर्म कौन सा हो, कैसा हो, एक एक व्यवस्था की तलाश तो तीनों की थी। तो इस अर्थ में मैं तो जितना परियार को मैंने समझा है कि एक बहुत गहरे धार्मिक व्यक्ति है वो, और धर्म जिस तौर पर वो संगठित धर्मों को मैं बात नहीं कर रहा, और एक सुसंगत व्यवस्था की वो तलाश करते हैं। लोहिया, अम्बेडकर और पेरियार तीनों को लेकर स्वाभाविक तौर पर जब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो इन विचारों को लेकर के उनमें अंतर भी दिखेंगे। लोहिया तो काफ़ी अलग दिखेंगे, लोहिया की पिछले सत्र में बातचीत हो रही थी, लोहिया तो बिल्कुल हिंदू धर्म के फोल्ड में आ जाते हैं, और कई बार समझना कठिन हो जाता है कि वो करना क्या चाहता है, उनकी मंशा क्या है। जैसे राम शिव, रामकृष्ण और शिव आप लेख को देखें तो क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल अस्पष्ट। हिंदू धर्म के फोल्ड में ले जाना चाह रहे हैं, हिंदू धर्म से बाहर आना चाह रहे हैं, नए धर्म की तलाश करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अस्पष्ट रहता है। लेकिन फिर पेरियार की तुलना अगर धर्म के मामलों में अगर किसी अकेडमिक ढंग से करनी हो तो हमें फूले, अम्बेडकर और पेरियार की धर्म की व्याख्याओं को देखना चाहिए, और तीनों में पर्याप्त अंतर आप देखेंगे, लेकिन मूल भाव एक रहेगा कि तीनों ही बहुत ही गहरे धार्मिक व्यक्ति हैं और गहराई से समाज के लिए व्यवस्था की तलाश करते हैं। प्रमोद जी, अभी जो भारत, उत्तर भारत, खासकर जो हिंदी पट्टी है, वो एक धार्मिक पुनरुत्थानवाद के दौर से गुजर रहा है, और इसका एक व्यापक राजनीतिक प्रतिफल भी हम लोग देख रहे हैं। तो जहाँ इतना ज़्यादा एक धार्मिक पुनरुत्थानवाद प्रवृत्तियाँ देखी जा रही हैं, क्या वहाँ पे पेरियार के विचारों की ग्राह्यता होगी? पेरियार के विचारों की ग्राह्यता तो राजकमल प्रकाशन के लोग बता सकते हैं, इतनी किताबें बिकी है, जी उन्होंने पिछले दो वर्षों में किताब आई और दोनों वर्षों में जो रॉयल्टी दी वो 5 अंकों में दी। मैंने देखा ऑडियो बुक्स भी काफ़ी बिकी है, इंटरनेट पर जब मैंने सर्च किया तो उनकी सैकड़ों किताबों की लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बना बता दी। तो ग्राह्यता तो है, बहुत ही ज़्यादा ग्राह्यता है। दरअसल में जहाँ सप्रेशन ज़्यादा होगा, जिसको धार्मिक पुनरुत्थान आप कह रहे हैं, वो धार्मिक दमन उन व्यक्तियों पर भी जो उस कथित धर्म को ही मानते हैं, उन पर भी दमन, एक नए की तलाश शुरू होगी। और पेरियार को लेकर के पहले से ही काफ़ी जिज्ञासा रही है हिंदी पट्टी में,
और बिल्कुल राय होंगे, क्यों नहीं स्त्रियाँ क्यों नहीं उनको ग्रहण करेंगी, जिन स्त्रियों के पक्ष में वो खड़े हैं, जिन वंचितों के पक्ष में खड़े हैं उनको क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। तो लगातार टकटकी बधाई देख रहे हैं, अभी पिछले दिनों आपकी संसद में भी आपके बिहार के सांसद में ही उनके कुछ अंश पड़े, राजनीतिक रूप से उसकी कार्यता दिखती है, समाज में भी दिखती है, युवाओं में तो विशेष। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यह जो धार्मिक पुनरुत्थानवाद का जो एक हवा चल रही है उत्तर भारत में, ये पेरियार के विचारों को फैलने से नहीं रोक पाएगी, और पेरियार के विचार फैलेंगे इन धार्मिक पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों के बावजूद। ये जो हवा चल रही है वो उस चिंगारी को और बढ़ाएगी, हमारे चिंगारी को बढ़ाती है हमेशा, ये हवाओं से रुकने का सवाल नहीं पैदा होता है, जिज्ञासाएं और बढ़ी है, इसी दौर में किताबें आई, इसी दौर में वो घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं लगातार। और जो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो उनके पूरे आंदोलन का एक पक्ष है वो हिंदी विरोध का है, तो यह जो एक अंतर विरोध दिखाई पड़ता है कि हिंदी प्रदेश में लोग परियार को पढ़ रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, उन पे सेमिनार हो रहे हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, दूसरे तरफ जो है उनका हिंदी विरोध भी लोगों को पता है, तो इस अंतर विरोध के बावजूद क्यों हिंदी प्रदेश में परियार बढ़ रहे हैं? उसका कारण है उनके मूल विचार, जैसे उनका हिंदी विरोध जो था इसके पीछे विचार क्या था, उसके पीछे जो विचार था वो था वर्चस्ववाद का विरोध, किसी भी किस्म के वर्चस्व का विरोध, वो उनके पूरे साहित्य में दिखता है। आप देखिए, आपने लोहिया का जिक्र किया, लोहिया आजीवन हिंदी की बात करते रहे, और जितने जिस रूप में वो लोहिया हिंदी की बात रख रहे थे, कभी सोचा है कि तमिलनाडु या केरल के लोगों को कैसा लगता होगा? परियार ये तो नहीं कह रहे थे ना कि तमिल को थोप दो पूरे देश में, कभी नहीं कहा उन्होंने कि तमिल राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और हमारा नेता तो ये कह रहा था कि एक भाषा को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, तभी को उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। तो लोग भी अपने तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, और उनमें जो वर्चस्ववाद के विरोध की भावना थी उसके कारण परियार लगातार बढ़ते रहे, हिंदी वगैरह की बात है पीछे रह चुकी। और कुछ ऐसी बातें परियार जो अभी हमारे डिस्कशन में नहीं आ पा रही हैं, आप अपनी ओर से बताएंगे? परियार के बारे में एक चीज जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है और जिसे कम से कम रेखांकित किया गया है अंग्रेजी के लेखन में भी और तमिल लेखन में भी जितना कुछ मैं जान पाया, वो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति उनका लगाव। वो अद्भुत है, अगर आप इस नजरिए से परियार को पढ़ें, इन पुस्तकों में भी जो लेख शामिल है, वो विज्ञान को बहुत आशा भरी नजर से देखते हैं और तकनीकी विकास का लगातार स्वागत करते हैं। एक और बात जो इन अन्य तीन विचारकों का जिक्र बार बार आया, फूले, अम्बेडकर, लोहिया, इनसे अलग उनको बनाती है कि वो एक भविष्य का स्पष्ट सपना सामने रखते हैं और जो बिल्कुल विज्ञान और तकनीक के आधार पर हो, और उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी भी विज्ञान में बहुत थी, और ये चीज उनको और ज्यादा प्रासंगिक बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का समय है, विज्ञान का समय है, तकनीक कितनी तेजी से बदल रही है, हमारी दुनिया बहुत तेजी से सब कुछ बदलने वाला है, किताबों की दुनिया सब कुछ कुछ वर्षों में बदलने वाला है, तो ऐसे में परियार के जो विचार हैं और प्रासंगिक। स्त्रियों की मुक्ति के बारे में बड़े ठोस और स्पष्ट विचार हैं परियार के, और बड़े क्रांतिकारी विचार हैं, और उस जमाने में जब वो परियार 50s और 60s के दशक में परियार ने परिवार नियोजन का आंदोलन चलाया था पूरे तमिलनाडु में, आप थोड़ा विस्तार में थोड़ा बताएंगे स्त्री विमर्श को लेकर, स्त्री मुक्ति के बारे में उनके विचार? परियार एक तो जो अलग है दूसरों से, मैं सिर्फ उसको चिन्हित करूँगा और विस्तार में जाने के बजाय, एक तो वो साफ शब्दों में पुरुषों द्वारा खड़े किए गए स्त्रीवादी आंदोलनों को पाखंड मानते हैं, बड़े कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना करते हैं और कहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, कोई भी शेर जो है वो हिरण की रक्षा नहीं कर सकता है। नंबर दो कि स्त्रियों के मामले में भी वो परिवार नियोजन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं अन्य चीज़ों के अलावा, खासकर जो कंट्रासेप्टिक्स हैं इनके उपयोग को वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग परिवार नियोजन को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वो संपत्ति के बंटवारे को रोकना चाहते हैं या परिवार को उन्नत करना चाहते हैं, लेकिन मैं परिवार नियोजन को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि स्त्रियों को मुक्ति देता है, और परिवार नियोजन को यहाँ तक ले जाते हैं कि स्त्रियों को संतान से मुक्ति का अधिकार होना चाहिए अगर कोई स्त्री चाहे तो। इसके अलावा वो स्त्रियों को मुक्त नहीं कर देते उनकी कमजोरियों से,
वो स्त्रियों की भर्त्सना करते हैं बहुत जगहों पर। वो बताते हैं कि आप खुद ही खास करके मध्य वर्ग की स्त्रियां हैं अपनी स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। आप बहुत पिछड़ी हुई हैं, आप में बहुत सारी सामंती प्रवृत्तियां हैं, आप में बहुत किस्म के ऐसे प्रलोभन हैं जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और अंत जो आह्वान करते हैं पूरे लेखन में आप देखेंगे, वो कहते हैं कि आपको ही आगे आना है, आप आगे आए और अपने आंदोलन को संभालें। उन्होंने पेरियार ने तमिलनाडु में आदर्श विवाह का आंदोलन चलाया था, वो क्या था? उसमें भी यही बातें थी कि कोई भी एक जगह जब एक तो मंगलसूत्र धार्मिक पाखंडों का तमाम विरोध निषेध था उसमें, और उसको आत्मसम्मान जो आंदोलन था उसके साथ वो जुड़ा हुआ था कि पुरुष जो स्त्री जो है वो एक दूसरे के जीवन साथी बने, पति और पत्नी ना बने। तो एक विवाह की एक पद्धति थी जैसा फूले ने भी शुरू किया था कि जहाँ आमने सामने बैठ करके ना कोई पंडा होगा ना कोई द्रोहित होगा, एक प्रमाण पत्र का आदान प्रदान होगा और एक अनुबंध कायम होगा और एक जीवन एक मित्र के रूप में आप शपथ लेंगे साथ में रहने की, जहाँ जाति मुक्ति होगी, धार्मिक पाखंडों से मुक्ति होगी और एक दूसरे पर किसी भी किस्म की चीज आप नहीं थोपेंगे। जो धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं उसके माध्यम से जो थोपे जाते हैं वो बिल्कुल गायब होगा, काफ़ी फैला हो, अभी भी लोग बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से विवाहों का आयोजन करते हैं। क्या आपको उत्तर भारत में कुछ ऐसे संगठन की आप पहचान कर पा रहे हैं जो कि पेरियार के विचारों को फैलाने का काम कर रहे हैं? पेरियार के विचारों को फैलाने का काम 70 के दशक में जैसा मैंने पहले बताया हुआ था, चंद्रिका पुष्टा जी के आंसू में उनका जो मंडल था, हिंदी साहित्य के लोग काफी उसको भूल गए, उनका जो मंडल था और बहुजन अवधारणा नाम से उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया जिसमें बोधानंद थे, दूसरे कई लोग थे जिसमें अभी ललित सिंह काफी चर्चा में है, वो लोग भी शामिल थे। तो इस मंडल ने पेरियार को फैलाने की कोशिश की, पेरियार काफी फैलाया, फिर कोशिश नहीं की, काफी जनता तक पहुंचाया और जितना पेरियार को हिंदी में आज जानते हैं वो वास्तव में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के मंडल द्वारा किया गया काम है। और इसके अलावा अर्जक संघ जैसे संगठन है, चूंकि अर्जक संघ खुद को ईश्वर मुक्त संगठन मांगता है अपने तरीके के, अलग किस्म का संगठन है, उसने भी पेरियार का और अम्बेडकर दोनों का काफी प्रचार किया। तो ये दो अर्जक संघ तो विजीवित है और काम कर रहा है जमीनी स्तर पर, इन दोनों संगठनों ने काफी काम किया लेकिन बाद के वर्षों में काम बंद हो गया। श्रोताओं से हम सवाल पूछना लेना चाहेंगे। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ जरूरी सवाल पहले से मैं तैयार करके आया था। पेरियार और अम्बेडकर, फुले तीनों का नाम लिया गया, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कंस्ट्रेंट थे, इनकी मजबूरी थी कि हिंदी पट्टी के नहीं हुए? और भाषा का एक कंस्ट्रेंट तो था ही, पेरियार को सफ़र करना पड़ता है हिंदी विरोध का के नाम पे, और इनके विचार आकर के यहाँ पे ध्वस्त हो जाते हैं लंबे समय में। कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ की जो हिंदी पट्टी है उसको थोड़ा अपभ्रंश में कहें गोबर पट्टी, उसके लिए जिम्मेदार है? दूसरा ये कि ये लोग जो हम बहुत ज़्यादा अगर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इंस्पायर्ड थे बाहरी, जो इसको हमलावर कहते हैं, जो बाहरी लोग आते हैं यहाँ बस जाते हैं, वो यहाँ पे एक नई चिंतन पैदा करते हैं, उससे ये लोग इंस्पायर्ड थे, ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ मूल में था। और आदर्श विवाह की जो बात की गई, अच्छा हुआ आ गया, वो तो मैरिज एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो अंधर्मों में भी है, हमारे यहाँ उसको बना दिया गया है कि वो सात जन्म का साथ है, वो तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है। और एक और सवाल है कि ये जो नास्तिकता की बात, अभी तमाम संगठन जो हैं तो काम कर रहे हैं पेरियार पे, वो उस नास्तिकता को खूब ज़्यादा प्रचारित कर रहे हैं। हम जितना डीप में जाते हैं नहीं पाते कि उनका एक रिएक्शन था बहुत ज़्यादा जो रूढ़िवादिता और सुपरस्टिशन था हिंदुत्व में, हिंदू धर्म के अंदर, और शोषण था सारे वंचितों का, चुन चुन करके जो शोषण के नियम बनाए गए थे उसके खिलाफ एक कहिए कि रिएक्शन था, और उसमें उन्होंने भगवान को ही नकार दिया। अगर उनको भी और ज़्यादा पढ़ने समझने का मौका मिलता तो धर्म को ईश्वर के साथ लेकर के चलते, वो एक बीच का रास्ता होता है। संविधान में भी देखिए भाई, मनीषियों ने आपको छूट दी है कि आप आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि धर्म में जो जबरदस्ती नास्तिकता थोपने की कोशिश हो रही है वो गलत है, और उसको एक हमको यहाँ के रूप में पेरियार को ढालना होगा? दो चीजें मुझे जो आपके उत्तर में कहनी है, तो कि जिस हिंदी पट्टी को गोबर पट्टी कहते हुए आपने बात की, दरअसल हिंदी पट्टी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, हिंदी पट्टी के बौद्धिक इसके लिए जिम्मेवार है जो एक खास मानसिकता से एक खास समुदाय से आते हैं और जो चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पेरियार तो हिंदी में आए ही थे, 70 में आए थे, बौद्धिकों ने कहाँ उनको उठाया, और अगर
हिंदी पट्टी इसलिए जिम्मेदार होती है, तो आज पर आ रहा है तो आज कैसे लोग हाथों हाथ लोग ले रहे हैं, लोगों लोग तो इसके जिम्मेवार नहीं है। दूसरा जो सवाल आपका नास्तिकता को लेकर के है, उससे मैं आंशिक रूप से बिल्कुल सहमत हूँ कि पेरियार को लगातार सिर्फ नास्तिक के रूप में पेंट किया गया। उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि उनके दूसरे विचार लोगों को पता ही नहीं थे। ये नास्तिकता का जो विचार था, मुझे लगता है कि अखबारों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से या प्रोपेगेंडा के रूप में उत्तर भारत में काफी पहुंचा। एक व्यक्ति है जो रामकृष्ण की मूर्तियों को जूते लगाता है सड़कों पर और उसको उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग, लेकिन उनके पिता विचार विज्ञान के बारे में क्या है, परिवार के बारे में क्या है, स्त्रियों के बारे में क्या है, दर्शन के बारे में क्या है, साहित्य के बारे में क्या है, ये चीज थी नहीं हिंदी। और इन पर बात करने के लिए आपको विस्तार से बताना होता है, आप एक लाइन में नहीं बता सकते कि साहित्य उनके विचार क्या है, दर्शन पर उनके विचार क्या है। तो एक यह कारण था जिसके कारण से लोग पेरियार की नास्तिकता को ही सबसे महत्वपूर्ण समझते रहे। नास्तिकता उनका एक प्रमुख एक बिंदु जरूर है उनके चिंतन का, और मैं नहीं समझता कि उससे इनकार किया जाना चाहिए। कोई उसके उन पक्ष को भी सुनना चाहता है तो सुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनके अन्य पक्षों को भी देखा जाना चाहिए और एक सिर्फ नास्तिक व्यक्ति के रूप में उनको नहीं रखा जाना चाहिए। प्रमोद भाई, आपको बहुत बहुत बधाई आप इस पुस्तक के लिए और इस बहस के लिए। मैं पेरियार को का अवदान भारतीय समाज में रेशनलिटी को लेकर के मानता हूँ कि उनकी जो तार्किकता है, जैसे विज्ञान में सिर्फ न्यूटन का ही अवदान नहीं है, आइंस्टीन का ही अवदान नहीं है, प्लैंक्स का ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों को मिला करके विज्ञान में जो तमाम तरह का अवदान होता है, तो समाज के जीवन में भी बहुत सारे नायकों का ये होता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन के ये आस्तिक थे, लेकिन वो पूरा न्यूटन का ही एक्सटेंशन है। तो मेरा कहना है, और एक चीज और है, जैसे पेरियार को नहीं समझा गया है उत्तर भारत में, वैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी नहीं समझा गया। आपने अभी कहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने घोषणा किया है कि मैं नास्तिक हूं, उनकी घोषणा है उनके कि मैं नास्तिक हूं। राम, शिव और कृष्ण लिखने का उनका मकसद दूसरा है कि भारतीय संदर्भ में जो नायक है, जो जनमानस पर अंकित है, उनके बारे में उन्होंने बताया है। और रामायण मेला का जहां तक सवाल है, तो रामायण मेला को भी वो कहते 300 तरह का रामायण है, इस पे बहस होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी लगता है हिंदी पट्टी के लोग समझ के भी नहीं समझ रहे हैं। और भाषा नीति को जहां तक, आप डॉक्टर लोहिया ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदी का समर्थक हूं, वो कहते थे तमिलनाडु के लोगों को अंग्रेजी का विरोध वो करते थे, तमिल का, बांग्ला का, कन्नड़ का, तमाम तरह के जो क्षेत्रीय भाषा था उनका उन्होंने बहुत जोर से उठाया था और हिंदी पट्टे में हिंदी की बात की थी। डॉक्टर लोहिया की एक भाषा नीति ही है। और लोहिया विश्व संसद की बात करते हैं, लोहिया बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करते हैं, उनका एक वैश्विक दृष्टिकोण है, तो नारी क्षमता की बात करते हैं। तो लोहिया को भी नहीं, हिंदी पट्टी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इसलिए नहीं समझा जा रहा है कि कुछ पार्टियां उसको रिप्रेजेंट करती है, मुझे जैसा लगता है। तो काल मार्क्स को अगर सीपीएम अपना फोटो लगा रही थी, इसका मतलब वो उसका वो ये नहीं हो गया कि वो सिर्फ सीपीएम का वो ये हो। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी समझना चाहिए, बहुत अच्छा मंच है। भाषा नीति डॉक्टर लोहिया की बहुत जबरदस्त है, जिसमें उस समय के बड़े वैज्ञानिक को बुलाया था उन्होंने। ये नहीं मेरा वो हिंदी वो उन्होंने काउंटर किया था कि लोहिया ने हिंदी की बात की है, इसीलिए मैंने ये कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, लोहिया ने हिंदी की बहुत प्रमुखता से बात की है, रामायण मेला की बात की है, फिर उन्होंने कहा कि वो राम शिव कृष्ण पर लिखे हैं, इसलिए मैंने तीन पॉइंट पर कहा वो नास्तिक थे, रामायण मेला लगाने का दूसरा बात था, और भाषा नीति लोहिया की है जिसमें वो हिंदी का समर्थन नहीं करते हैं। सर, अभी चर्चा चल रही थी पेरियार की वर्तमान दौर में प्रासंगिकता पर, और आपने बड़ा ऑप्टिमिस्टिक नजरिया पेश किया। अगर उस ऑप्टिमिस्टिक नजरिए को ठोस उत्तर भारत की जो जमीनी यथार्थ है अगर उससे जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर वही नहीं है जो साउथ इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर। नंबर टू, जो फ्यूडल माइंडसेट और फ्यूडल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ह्यूज डिफरेंसेज हमें दिखेंगे। बात केवल पेरियार की नहीं है, बात यह भी है कि अगर हम मतलब हिंदी पट्टी से बाहर जाकर के देखें तो वहां पर पेरियार हैं, वहां पर नारायण गुरु हैं, वहां पर ज्योतिबा फुले हैं, वहां पर साहू जी महाराज हैं, वहां पर भीमराव अम्बेडकर हैं, लेकिन पूरे के पूरे उत्तर भारत में अगर हम देखें, हिंदी पट्टी में देखें, तो इसका नितांत अभाव दिखाई पड़ता। और अगर कहीं हमने इन्हें अपनाया भी है
तो कहीं ना कहीं एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ हमने अपनाया है। उस अपनाने का श्रेय भी मैं पॉलिटिकल ग्रुप्स और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप जो है उनको ज्यादा देना चाहूंगा। तो अगर थोड़ा सा इसको जमीनी परिस्थितियों के आलोक में आप एलोबरेट करें और ये बतलाएं कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्यों आपको लग रहा है कि आगे ऐसा होने जा रहा है, तो शायद सुविधा हो। धन्यवाद। एक तो जो आपका सवाल है कि दक्षिण भारत के थे और यहाँ स्थितियाँ अलग है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों की वैचारिक पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ रही है या सिंपैथी रही है, ऐसा मैं चेहरों से पहचानता हूँ और बता सकता हूँ। मार्क्स कहाँ के थे? जब जर्मन की आइडियोलॉजी यहाँ लागू हो सकती है, इतने अच्छे तरीके से लागू हो सकती है, केरल में लागू हो सकती है, बंगाल में लागू हो सकती है, इतना बड़ा लोगों के हमारे बिहार में रहा, तो फिर याद क्यों नहीं हो सकती? एक तो सीधा उत्तर यह है, दूसरा कि पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों होगा, उसका मैंने जैसा बताया आपको कि आप ऐसे देखिए कि आप फूले को फैलते हुए देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में फूले का जो काम अगर आप मौलिक रूप से पढ़ेंगे तो बहुत सारे मित्रों को वो काम समझ में नहीं आएगा। फूले को सामने लाने का काम मुख्य रूप से गेल लॉम्बर्ट ने किया अंग्रेजी में, उसके बाद कई दूसरे रूपों में चीजें फैली। तो ये जो जिम्मेवारी होती है ऐसे लोगों को सामने लाने की और जनता तक पहुंचाने की, उनके मूल तथ्यों को पकड़ करके, वो बौद्धिक तबके की होती है और उस तबके ने पहले ध्यान नहीं दिया। और कई कारणों से मैं ये नहीं कह सकता कि अब वो ध्यान देगा कि नहीं देगा, लेकिन एक नया तबका बौद्धिक वर्ग के बीच आ रहा है और वो कहाँ से आ रहा है? वो उन्हीं दबे कुचले तबकों से आ रहा है, यूनिवर्सिटियों में पहुंच रहा है, रिसर्च जर्नल्स तक पहुंच रहा है। तो वो तबका इनको लोगों के बीच लाएगा, इस कारण से मुझे ये आशा बनती है कि इन लोगों की स्वीकारता पहले की तुलना में ज्यादा बनेगी, ये मुख्य बात है। पेरियार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो मुझे ठीक ठीक नहीं पता, उसका कोई बहुत महत्व भी नहीं है, नैन मैट्रिक थे कि नहीं थे, लेकिन एक पुस्तक तो उन्होंने जरूर लिखी थी, सच्ची रामायण। इसके अलावा कोई अलग से पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी, ज़्यादातर तो उनके भाषण और लेख लिखे उन्होंने अलग अलग पत्रिकाओं के लिए, कुछ अखबारों के लिए भी लिखे, लेकिन ज़्यादातर तो उनके भाषण मिलते हैं। ठीक, कार्यक्रम इस बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी।